तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि समास क्या होता है, समास कितने प्रकार के होते हैं, सभी की परिभाषा विद एग्जांपल्स और प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन है वो भी हम सीखेंगे। सो वीडियो को अभी कर दो लाइक क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। तो देखो समास का अर्थ क्या होता है, अगर इसकी बात की जाए तो अगर मैं बोलूँ समास का तात्पर्य होता है संक्षिप्तीकरण से। जैसे रसोई के लिए घर, हम उसको हम क्या बोलते हैं, रसोई घर बोलते हैं ना, तो उसको एक अलग से नाम दे दिया हमने। ठीक, इस कथन से शब्द संक्षिप्त हो जाता है, मतलब इतना रसोई के लिए घर को हमने क्या बोल दिया, रसोई घर बोल दिया, छोटा हो गया था। तो कहने का मतलब क्या होता है, इस कथन से शब्द संक्षिप्त हो गया और अर्थ में भी किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आया। ठीक है, जो शब्द का जो परिवर्तन हुआ, छोटा हो गया और उसके अर्थ में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इस संक्षिप्तीकरण की विधि को ही हम समास कहते हैं। अगर परिभाषा की बात की जाए प्रॉपर, कहते हैं दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको उदाहरण दिया था रसोई के लिए घर, जिसे हम क्या बोल रहे, रसोई घर, तो ये उदाहरण हो गया। अगर बात की जाए समास के प्रकार, तो आपको मैं बताना चाहूँगा जो समास जो होता है वो मेनली चार टाइप का होता है। हालांकि जब आप बड़े क्लासों में जाएंगे तो समास के भी इनके भी कई भेद आ जाएंगे, क्लास 11 12th में अगर हिंदी लेते हैं तो। समास के वैसे चार भेद हैं, एक होता है अव्ययीभाव समास, एक होता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष में दो समास और आ जाते हैं, कर्मधारय और द्विगु समास। थर्ड आता है द्वंद्व समास, चौथा आता है बहुव्रीहि समास। अब इनको ही क्वेश्चन को बनाने का भी मेरे पास ट्रिक है सबका। ठीक, क्योंकि मैं खुद हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, मेरे को हिंदी मेरे टाइम में बहुत अच्छी आती थी, तो इनकी भी ट्रिक्स हैं मेरे पास। ठीक है, सो अगर बात की जाए अव्ययीभाव समास की, प्रॉपर पहले परिभाषा ले लेते हैं फिर मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा इसका। कह रहे जिस समास का पहला पद, प्रथम पद, प्रधान हो, मतलब इम्पोर्टेंस जो होगा ना वो पहले पद में आ जाएगा, और वह अव्यय हो, उसे हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे यथामति, मति के अनुसार, तो यहाँ पर मत, यथामति का मतलब आपको हिंदी का मतलब पता होना चाहिए, मेन चीज़ तो ये भी हो जाता है, मत के अनुसार। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्या है, मत है, अगर उसका मत ही नहीं रहेगा तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसके साथ अ, साथ, अव्यय, ये सब जो वर्ड्स आते हैं वो अव्यय होते हैं, जैसे यथाशक्ति, यथाविधि, यथोचित, आजन्म, आजीवन, ऐसे वर्ड आएंगे सामने तो उसे हम क्या बोलेंगे, अव्ययी भाव समास। तो और इसमें क्या होता है, अगर आप वर्ड्स को तोड़ के भी लिखो तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कि यथा समय, समय के अनुसार, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथाक्रम, क्रम के अनुसार, यथा विवरण, विवरण के अनुसार। ठीक है, अगर पहचान करने की बात करें तो यहाँ लिखा हुआ देखो, इसमें समस्त पद अव्यय बन जाता है, अर्थात समास होने के बाद उसका रूप कभी नहीं बदलता, इसके साथ विभक्ति चिन्ह भी नहीं लगता, मतलब कोई भी चिन्ह ऐसा या डैश कॉमा कुछ नहीं लगता, जैसे ऊपर से पद से परिचित हो रखा है हमें। ठीक है, अब बात करते हैं तत्पुरुष समास, इसका तो एकदम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास। तत्पुरुष समास क्या होता है, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो। उत्तर का मतलब क्या, जैसे ये पूर्व हुआ और इधर कोई वर्ड लिखा होगा तो ये प्रधान उत्तर हुआ, इधर वाला उत्तर, इधर वाला पूर्व। ठीक है, तो जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो, गौण का मतलब निम्न हो, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा रचित, तुलसी के द्वारा कृत। तो यहाँ पर देखो जो पूर्व पद है तुलसी, ठीक है, और जो उत्तर पद है वो प्रधान है, क्योंकि किया गया है, अगर कुछ करता ही नहीं तो उसका नाम ही नहीं होता, तो यहाँ पर जो उसने कुछ किया है ना तो ये प्रधान है और तुलसी हमारा क्या है, गौण है थोड़ा सा। ठीक है, तो इसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे गृहकट, गृह को काटने वाला, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। ठीक है, तो उसका जो उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, तत्पुरुष समास। अब आ जाते हैं कर्मधारय समास में। ठीक है, अब क्या होता है, कर्मधारय समास तत्पुरुष समास का उपभेद है, मतलब अभी मैंने बोला था ना उसका दो टाइप्स होते हैं, वही चलता है पता। अब मैं आपको, मैं इसमें कुछ ट्रिक बताता हूँ आपको कैसे पता लगाना है कि कर्मधारय होगा। जब कभी भी कर्मधारय होता है ना, जैसे नीलकंठ,
नीलकंठ, महाआत्मा, डैश डैश लगा होगा ऐसे, तो वहां पर आपको समझ जाना है। क्या समझ जाना है कि यहाँ पर कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। जैसे नीलकंठ कौन होता है? नीला है कंठ जिसका, यानी कि शिव जी। महान आत्मा महात्मा, भला मानस भला है जो मानस। सो ऐसे विग्रह करने के लिए भी आपको मिल जाएगा, तो आपको ऐसे तोड़ के लिखना पड़ेगा। अभी तो एक शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, अगर फ्यूचर में अभी आप मुझसे हिंदी सीखना चाहे तो बता देना, मैं हिंदी अच्छे से समझा दूंगा। अगला आ जाता है द्विगु समास। द्विगु तो बहुत ही इजी आ जाता है, कभी भी किसी वर्ड्स में अगर नंबर का दिख जाए, जैसे नवग्रह, दोपहर, त्रिलोक, चौमानस, मतलब नौ मतलब नौ, दोपहर का मतलब दो, त्रिलोक मतलब तीन, चौ मतलब चार, कभी भी नंबर का बोध होगा ना, तो वहां पर कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। जिस समास का पूर्व पद संख्या वाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे नवग्रह, नौ ग्रहों का समूह, दोपहर, दो पहरों का समय, त्रिलोक, तीनों लोकों का समाहार, है कि नहीं? अगला आता है द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास क्या है? द्वंद्व समास वह समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, उत्तर भी और पूर्व भी दोनों पद प्रधान होंगे, उसे हम द्वंद्व समास बोलेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ माता पिता, तो माता भी प्रधान है पिता भी प्रधान है, तो दोनों ही पद प्रधान है उत्तर और पूर्व, तो ये क्या हो जाएंगे? द्वंद्व समास। और जैसे आटा दाल, और डैश का मतलब अगर विग्रह करके लिखना है आपको, तो जब डैश हटता है तो और जुड़ जाता है यहाँ पर। जैसे अन्न जल था तो अन्न और जल, आटा दाल तो आटा और दाल, ठीक है, ये चीज़ भी होगी। अब आता है बहुव्रीहि समास, ठीक है। इसमें क्या होता है? जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं, दोनों पद अप्रधान होते, तो कोई प्रधान पद होता ही नहीं है, और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक होता है, किसी की ओर संकेत कर रहा होता है, तो उसे हम बहुब्रीहि बोलेंगे। जैसे पंचानन, पांच है आनंद जिसके, यानी कि शिव या सिंह, मतलब किसी चीज की ओर वो इशारा करता है, तो उसे हम बोलेंगे क्या? बहुब्रीहि समास। जैसे अगर बोले पति प्रतिव्रता, एक पति का व्रत लेने वाली, यानी कि एक विशेष स्त्री, ठीक है, पतझड़ जिसमें पत्ते झड़ते हैं, वह विशेष ऋतु है ना, तो किसी चीज़ की ओर इशारा करेगा, तो आपको समझ जाना कि ये बहुब्रीहि समास है। महेश महान है जो शिव, मेघनाथ मेघ के समान करता है नाथ जो रावण का पुत्र, महात्मा महान है जिसकी आत्मा यानी कि ऋषि मुनि, विषधर जिसने विष को धारण किया यानी कि सांप, ठीक है। अब जितने भी टॉपिक्स थे समास थे वो हमने पढ़ लिए हैं, अब कुछ आपको बताना है कि समस्त पद बनाकर समास का नाम लिखना है आपको, ठीक है। मैंने ये क्वेश्चन जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, तभी मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। अब पहला जो प्रश्न है वो है, जो नभ में विचरण करता है, यानी कि नभचर, नभचर यानी कि क्या होगा? बहुव्रीहि समास, ठीक है। सीमा का प्रहरी यानी कि सीमा प्रहरी, कुछ भी बदल नहीं रहा है, यानी कि क्या? तत्पुरुष समास। आस फिर क्या है? आठ अध्यायों का समूह, यानी कि आठ दिख रहा है अंक आ गया है, यानी कि द्विगु समास। चौथा क्या है? पानी की चक्की यानी कि पवन चक्की, तो ये फिर से क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। पांचवा महान जो पुरुष, यहाँ की महापुरुष, यानी कि ये क्या होगा? कर्मधारय समास। गंगा जल तो क्या होगा? गंगा जल, तत्पुरुष समास। फिर चंद्र जैसा मुख, यानी कि कर्मधारय समास, यानी कि कुछ विशेषता बता रहा है, उसके गुण बता रहा है, चंद्र जैसा मुख, तो क्या होगा? ये कर्मधारय समास। आठवां नथ है जो मस्तक, यानी कि नतमस्तक, ये भी क्या होगा? कर्मधारय। और नवा क्या है? दूसरों पर उपकार, यानी कि परोपकार, ये भी क्या होगा? तत्पुरुष समास। और धर्माधर्म, ये क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास, ठीक है, ये चीज़ भी हो गई। अगला जो प्रश्न है वो है, कह रहे समास विग्रह करते हुए समास का नाम लिखो, ठीक है। आपको समास का विग्रह करना है और उसका नाम बताना है। क्या है? ग्रंथकार, यानी कि ग्रंथ को करने वाला, मतलब ग्रंथ को लिखने वाला, तो इसे क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। फिर देश निर्वासित है, देश से निर्वासित, यानी कि ये भी हो जाएगा तत्पुरुष समास। फिर सज्जन है जो पुरुष,
सज्जन सज्जन है जो पुरुष, यानी कि योगा कर्मधारा है समाज। ठीक है, और बाकी कुछ है जरा मेरे को बताना कमेंट करके कि इनके आंसर्स आप क्या बना पा रहे हो, कौन से समास हो पा रहे हैं। ठीक है, सो देखो एक दिन में तो सब कुछ नहीं हो पाता, टाइम देना पड़ता है आपको। एंड आई होप आपको समझ में ज़रूर आएगा, कॉन्सेंट्रेट होकर सुनना पड़ेगा आपको, लेकिन चीज़ों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा अच्छे से। इस वीडियो में जो मैंने बोला है उसको ढंग से सुनो, तभी आपको पता लगेगा। एंड वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।